नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रधानमंत्री ओली के प्रसंग से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन के असंवैधानिक कहवला सब देश विरोधी भेल बतौलन। रवि दिन अपांगता भेल व्यक्ति सबके समस्या आ सवाल में अपांगता संग संबंधित विभिन्न संघ संस्था प्रधानमंत्री संग केने साक्षात्कार कार्यक्रम में बजत प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन के असंवैधानिक कहि कह हल्ला करे वाला सब देश विरोधी भेल बतौलन। असंवैधानिक कह वाला सब संविधान तथा लोकतंत्र के विरोधी समेत भेल बतौलन। स्थिरता होना नदिने, स्थायित्व होना नदिने, बहुमत को सरकार तोड़ेर अनि जोड़ जाम सरकार बनाएर स्थिरता का नाटक करने, संसद में पांच वर्ष जागीर खाना पाउनु पर्छ चुनेर आएपछि भन्ने, सांसद भनेको जागीर हो, सांसद भनेको जागीर होइन। उनीहरुको तर्क पांच वर्ष जागीर खाना पाउनु पर्छ, यो स्थायी जागीर हो। जनता को सेवा गर्नुपर्ने, देश को सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देश को सेवा नगरेर अरु द्वारा निर्देशित अरु को इशारा में अरु का लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद कुन-कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्यो, जनताले कस्ता काम गरे इनको मूल्यांकन गर्नुपर्यो र त्यस अनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्छ। संसद पाँचै वर्ष के लिए होब नहीं भेला सा, सांसद सबके जागीर नहीं भेल, संसद के काज देख कर जनता द्वारा पुरस्कृत तथा दंडित के लिए ताजा जनादेश में जा पड़ल होना कहब। अपना शासक बन जका हाथ में किछ नहीं रखने कहत प्रधानमंत्री ओली जनता के निर्णय कर के बात तानाशाही नहीं भेल स्पष्ट कलन। स्थिति छे तालीम को व्यवस्था, शिप विकास को व्यवस्था र त्यस अनुसार का अवसर उपलब्ध कराने र रोजगारी वा स्वरोजगार उपलब्ध गराउने ती कामहरू सरकारले सहयोग गर्छ। यसमा सरकार मात्रै होइन, अनेक संघ संस्थाहरू पनि छन् यस्तोमा सहयोग गर्ने, जसमा आज हामीले केही साथीहरूलाई मित्रहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। सडकमै आउवाला बालबालिकाकै अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर सरकार शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगारी सुनिश्चित भविष्य प्रत्याभूत केने बतौलन। देश गरीब भेलो पर नागरिक के सकभरि देखभाल कर में कोनो कमी नहीं रखबाक प्रधानमंत्री ओली प्रतिबद्धता जनौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रचंड नेपाल पक्ष प्रधानमंत्री ओली के पार्टी के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जका हटौलक। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में रवि दिन बैसल स्थायी कमिटी बैठक से प्रधानमंत्री ओली के पार्टी के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जका कार्यवाही कैल गेल। बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करते नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पार्टी के अध्यक्ष समेत रहल ओली के पार्टी अनुशासन उल्लंघन केने से कार्यवाही केने बतौलन। प्रधानमंत्री संसद विघटन केने लगले असंतुष्ट बनल प्रचंड नेपाल पक्ष प्रधानमंत्री ओली के अहिसे पहिने बैठक से कार्यवाही कर कि नहीं कर विषय में स्पष्टीकरण पूछने छल। बैठक ले यसअघि पार्टी को केन्द्रीय कमिटी को बैठक ले अध्यक्ष को जिम्मेवारी मुक्त गरिनुभएका केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटी को बैठक ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पार्टी को साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको छ। उहाँलाई यसअघि अध्यक्ष पदबाट हटाइएपछि पनि उहाँले संविधान लोकतंत्र को विरुद्ध राष्ट्र र जनता को विरुद्ध र पार्टी को विरुद्ध पार्टी को विचार नीति कार्यक्रम र हितका विरुद्ध लगातार गतिविधि गर्नुभएकोले विधान अनुसार तपाईलाई पार्टी सदस्यताबाट नै किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएन र त्यस स्थितिमा केन्द्रीय कमिटीको दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी आजको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान अनुसार उहाँलाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। कार्यालय के सचिव में स्थायी समिति सदस्य गंगालाल तुलाधर के जिम्मेवारी देव के निर्णय कैल गेल। प्रचंड माधव पक्ष के स्थायी कमिटी के दोसर बैठक दू दिन बाद बैसक।
सर्वोच्च अदालत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालत के अवहेलना के निवेदन पेश भेल अछि। अधिवक्ता कुमार शर्मा कार्यवाही के मांग करैत निवेदन पेश केला अछि। विचाराधीन मुद्दा के प्रभावित करय जकाँ बेर बेर ओली अभिव्यक्ति देने आरोप लगबैत ओ निवेदन पेश केलनि अछि। किछु दिन पहिने ओली अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी के बाबा उमेर के वकील अदालत में बहस नाम में तमाशा केने कहैत टिप्पणी केने छला। ओली ऊपर कानून व्यवसायी सबके जहिना तहिना बजने आ अदालत में विचाराधीन विषय प्रभावित चाहने कहित आरोप लगाओल गेल अछि। अही बीच बार के पूर्व अध्यक्ष सब वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल, शंभू थापा, प्रेम बहादुर खड़का, शेर बहादुर केसी संयुक्त रूप में विज्ञप्ति निकालि कर कानून व्यवसायी ऊपर प्रधानमंत्री निर्लजतापूर्वक व्यवहार देखौने आरोप लगौलनि अछि। खानेपानी मंत्री मणिचंद्र थापा मेलमची खानेपानी आयोजना अंतर्गत सुंदरी जल क्षेत्र के सुरंग मार्ग अवलोकन केलनि अछि। मंत्री थापा रवि दिन मेलमची खानेपानी आयोजना अंतर्गत के सुंदरी जल क्षेत्र में निर्माणाधीन भौतिक संरचना आ सुरंग मार्ग के अवलोकन केलनि अछि। अवलोकन करैत मंत्री थापा सुरंग मार्ग के काज संतोषजनक भेल प्रतिक्रिया देलनि। अवलोकन बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत मंत्री थापा सुरंग निर्माण के काज प्राविधिक रूप से सफलता तरफ जा रहल अनुभूति भेल बतौलनि। त्यो चाहिँ सन्तोषजनक तरिकाले काम भएको चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। मलाई लाग्छ अब यो कामको रिजल्टतिर चाहिँ यो कामको रिजल्टतिर छ र टेक्निकल्ली चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ एउटा सफलतातिर गइरहेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो। मेलमची खानेपानी विकास समिति के कार्यकारी निर्देशक तीरेश प्रसाद खत्री सुरंग के काज संपन्न भ चुकलो पर परीक्षण आगा विज्ञ समूह के निरीक्षण कराओल गेल आ उक्त समूह के सुझाव के आधार में सुरंग के दीर्घपन के लेल किछु सुधार कर भेला से हाल सुधार के काज भ रहल बतौलनि। समझौता अनुसार काम लगभग संपन्न भइसकेको छ त सुरंग को हक में उसको स्कोप अनुसार अथवा उसको निर्माण समझौता अनुसार संपूर्ण काम संपन्न भइसकेको छ। बीच में हामीले विज्ञ समूह द्वारा इसको निरीक्षण गराएका थियौं। इसमें परीक्षण अगाड़ी टेस्टिंग फिलिंग गर्नुभन्दा अगाड़ी चाहिँ केही चाहिँ कमी कमजोरी छन् कि अथवा त्यसमा केही सच्याउनु पर्ने सुधार का स्पेसहरू छन् कि भन्नेको लागि एउटा जर्मन स्वतंत्र विज्ञ समूह जर्मन फिस्नर कंपनी आएको थियो र त्यसले केही सुधार का कामहरू गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो अहिलेको लागि हैन, यसको यो सुरुङको सेफ्टीको लागि, यसको दिगोपनको लागि, यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि, यसको मर्मत सम्भार सञ्चालन किनकि यो 100 वर्षसम्म चलिराख्ने भएन, पछिको लागि चाहिँ केही चाहिँ फिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही सुधार कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो काम मात्र बाँकी छ र त्यो सुरंग में शुरू कयल गेल सुधार के काज 3 सप्ताह में संपन्न होबय जका फागुन के पहिल सप्ताह से पानि पठा कर परीक्षण के काज शुरू करवाक कार्यकारी निर्देशक खत्री बतौलनि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा कुमार यरियाल कृषि जन्य वस्तु के आयात निर्यात में संतुलन कायम कर भंसार के ऑनलाइन प्रणाली में विकास करवाक बतौलनि अछि। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात करैत काल आवश्यक पड़े वाला अनुमति लाइसेंस आ अन्य प्रक्रिया संबंध में भंसार विभाग आ कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय माथात प्लांट क्वारेंटीन तथा विषादी व्यवस्थापन केंद्र एवं पशु सेवा विभाग आ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग बीच ऑनलाइन प्रणाली संचालन कर संबंध में समझौता कर रवि दिन मंत्रालय में आयोजन भेल कार्यक्रम में मंत्री अरियाल प्रविधि के विकास क आयात निर्यात के संतुलित बनेबाक बतौलनि अछि। व्यापारमा यसले सहजता सिर्जना गर्दै अनि हाम्रो जुन खालको असन्तुलन व्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलन हो यो विधिबाट यो सहजताले हाम्रो सन्तुलन कायम गर्ने व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा पनि यो विधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खेल्न पर्छ। हामीले त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब त्यसका लागि हामीले आज सिस्टमको लागू गर्ने कुरा मात्रै गरेको हो। अब यसित जोडिएका विषयहरूमा हामी बस्ने यसलाई छलफल गर्ने प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रा प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीहरू समन्वित निकायमा राख्ने एग्रिमेन्ट हो जसको सम्झौताको मुख्य प्रावधान कार्यान्वयनको रूपमा
ई प्रणाली लागू भेला बाद बाहरी देश से कोनो भी वस्तु के आयात करैत काल संबंधित विभाग से भौतिक रूप में उपस्थित होबा के अनुमति लेबा के अवस्था अंत भेल मंत्री अरियाल बतौलिन। कृषि के प्राथमिक उत्पादन के क्षेत्र में वैदेशिक लगानी अनबाक सरकारी निर्णय के विरोध में सरोकार वाला सब प्रदर्शन कलक। खाद्य के लेल कृषि अभियान के आयोजन में रवि दिन काठमांडू के माइती घर में सरोकार वाला सब कृषि के प्राथमिक क्षेत्र में वैदेशिक लगानी आन के सरकार के निर्णय के विरुद्ध में विभिन्न बैनर आ प्लेकार्ड सहित विरोध प्रदर्शन भेल। विरोध कार्यक्रम में खाद्य के लेल कृषि अभियान के संयोजक उद्धव अधिकारी कृषि के प्राथमिक क्षेत्र में वैदेशिक लगानी खुला कर निर्णय से सरकार तत्काल पछा हटबाक बतौलन। अपना सब वैदेशिक लगानी के विरोध नहीं भ प्राथमिक कृषि में वैदेशिक लगानी अनबाक आ विदेशी के कृषि प्रकृतिक क्षेत्र के जिम्मा लगेबाक बात के विरोध कर रहल बतौलन। उपार्जन को मुख्य स्रोत को रूप में आपको चाहिए खेतीपाती चाहिए अपनाई रहें ती किसान कृषि पेशा विस्थापित होने कुरा प्रति हम आपत्ति हो। उनीहरूले बचाइरहेको पर्यावरण बचाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ सचेतना हो। उनीहरूले बचाइरहेको हाम्रो चाहिँ संस्कृतिप्रतिको हाम्रो चाहिँ एक खालको चिन्ता हो। यो विदेशीलाई हाम्रो कृषि प्राकृतिक स्रोत जिम्मा लगाउने कुरा यो कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ मान्य हुन सक्दैन। तर प्राथमिक चरणमा नआऊ भनेको, दोस्रो चरणमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। उसले मूल्य श्रृङ्खलामा वैदेशिक लगानी भित्राउने कुरामा हामीले धेरै ठुलो आपत्ति गरेका छैनौँ। तर प्राथमिक तहमा किसानकै हात खोज्ने घाँस खोज्ने कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। सरकारलाई यो सुझाव चाहिँ यो एकदम तत्काल यो कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा चाहिँ नि यो अहिलेको वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कुराबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ र भ्यालु मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा दोस्रो चरणका चाहिँ नि तहमा सरकारवालासँग बसेर छलफल गरेर मात्रै कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रदर्शनमा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताके अधिकार सुनिश्चित गर, कृषि के प्राथमिक उत्पादन में खुला कैल गेल वैदेशिक लगानी संबंधी प्रावधान खारिज कर, कृषि में वैदेशिक लगानी संबंधी प्रावधान खारिज कर, जनमुखी भूमि सुधार लागू कर लगायत नारा लिखल प्लेकार्ड ल प्रदर्शनकारी सब सड़क में उतरल छल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर संसद पुनर्स्थापना भेलो पर सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कारण समस्या समाधान नहीं होत बतौलने। रवि दिन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आ नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूह बीच पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रम में बजत अध्यक्ष ठाकुर संसद पुनर्स्थापना भेलो पर सत्तारूढ़ नेकपा के कारण समस्या समाधान नहीं होत बतौलन। संसद पुनर्स्थापना भेलो पर सत्तारूढ़ नेकपा कानूनी रूप में विभाजित नहीं भेल अवस्था भेला से सत्ता नेकपाए के हाथ में जात आ ऐसा समस्या के समाधान नहीं होत बतौलन। जो पार्टी असफल भएको छ सरकारै चलाउन सकेन अनि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदियो त सत्ता त फेरि उसैको हातमा जान्छ त द्वन्द्व त रहिरहन्छ। पुनर्स्थापना भएपछि त्यो समस्याको समाधान देख्दैन किनकि त्यो पार्टी कानुनी रूपमा अहिले पनि एउटै छ, विभाजित भएको छैन र त्यो दुईवटाको बिचमा द्वन्द भइरहन्छ, समूहको रूपमा नै रहे पनि त्यो द्वन्द रहन्छ। अब अर्कोतिर यदि चुनावतिर गयो देश गयो भने त्यसको मतलब ओलीजीको कदम सही छ र त्यस बेलामा यदि हामी आन्दोलनलाई कन्टिन्यू राख्छौँ भने त्यो स्थिति के हुन्छ कि हामी अदालतलाई कमजोर गर्छौँ, अदालतको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हुन जान्छ। त्यो यो स्थितिमा चाहिँ हाम्रो देशले गएको छ। अब यो जुन स्थिरताको दौड जुन कामना हामीले गरेका थियौँ जनताले गरेका थिए कार्यक्रममा बजे जसपाके दोसर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजनीतिक परिवर्तनके बचेनाई एखुनक आवश्यकता रहल बतौलनि। संघीयता गणतन्त्र समावेशिता जेहन मुद्दाके समाप्त पारजका देशके पछा धकेलके प्रयास भेल कहैत संसद विघटनके कदमके खारिज करनाइ प्रतिगमनके परास्त करनाइ रहत बतौलनि। संविधानमाथि मात्र प्रहार होइन, यो प्रतिगमनको थालनी र प्रतिगमनको ढोका खुलेको छ। यसले लोकतन्त्रमाथि प्रहार, यसले संघीय गणतन्त्रमाथि प्रहार र यसलाई फेरि विगतका आन्दोलनहरू जस्तै उपलब्धि हुने केही दिन टिक्ने त्यसपछि चाहिँ उही सर्पको मुखमा लुडो खेल्न परेछ फेरि पुछरमा आइपुग्ने त्यस ठाउँमा पुर्याउने प्रयास गर्छ।
यो इन्टेन्सनली चाहिँ के भन्दाखेरि संघीयता गणतन्त्र समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई समाप्त पारेर फेरि मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रतिगमनकारी प्रयास हो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो संविधान आ शासन बेर बेर बदललो पर विचार आ व्यवहार नहीं बदलाल कारण से प्रतिगमन भ रहल धारणा रखलें। कम्युनिस्ट आ कांग्रेस देश के गोल चक्कर में फंसौने वो बतौलन। संविधान र शासन बदलिन्छ तर विचार र व्यवहार कहिले पनि बदलेन नेपालमा। यही कारण हो यो देशमा पटक पटक प्रतिगमन हुने, पटक पटक लोकतन्त्रको हत्या हुने र जनताले खोजेको अधिकार चाहिँ जनताले प्राप्त गर्न पाउने। किनभने जहिले पनि संविधान र शासनको निर्माण यहाँका शासक वर्गले आफूलाई गर्दो रहेछ। औपनिवेशिक शासन सत्ता चलाउनेहरूले शासक नस्लवादी चिंतन सोच बोकेका केही शासक वर्गीय जमातले आफ्नो लागि संविधान बना। यो कम्युनिस्ट कांग्रेसले यो देशलाई गोल चक्करमा जनतालाई फसाएर जमातले नेपालीलाई दुखी बनाएर छोड्ने यस्ता प्रवृत्ति केपी ओली प्रवृत्ति देशलाई बर्बाद गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आ नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूह बीच रवि दिन ललितपुरमे एक कार्यक्रम बीच पार्टी एकता घोषणा भेल छल। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाके उपमेयर रीता कुमारी मिश्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकके अधिकारके लेल आवाज उठाबके बतौलने। नील हीरा समाज रवि दिन जनकपुरधाम में केने कार्यक्रम में उपमेयर मिश्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक के अधिकार सुनिश्चित आ सम्मान रूप में बाचक के हक के लेल एकताबद्ध भ आवाज उठेबाक बतौलन। ओ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक कोनो भी पूर्व जन्म के पाप व अभिशाप नै भेल विषय में जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब संचालन करके बतौलन। उपमेयर मिश्र इस समुदाय से हो सम्मान के हकदार रहला से इनका सबके अभद्र व्यवहार नै कर बतौलन। कार्यक्रम में प्रदेश दू स्वास्थ्य निर्देशक विजय कुमार झा जिला समन्वय समिति के रामदेव यादव बनरैत नील हीरा समाज के अध्यक्ष पिंकी गुरुंग मनीषा ढकाल प्रदीप कुमार यादव लगायत सहभागी छल। कार्यक्रम में यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक के यौन स्वास्थ्य मानव अधिकार तथा वकालत संबंधी चर्चा कयल गेल छल। सरलाही चंद्रनगर गांवपालिका के 500 विपन्न परिवार एकल महिला आ अपांग के गुणस्तरीय फाइबर सीरक प्रदान कयल गेल। मुसर चमार दुसाद डोम मुस्लिम तथा अन्य समुदाय के अति विपन्न परिवार आ विपन्न एकल महिला तथा अपांग के ई फाइबर सीरक प्रदान कयल गेल। दौतरी संस्था के सहयोग तथा भोर संस्था के पहल में सहयोग कयल गेल। दौतरी संस्था के अध्यक्ष संपन्न स्थापित जानकारी देलन। चंद्रनगर गांवपालिका के वार्ड 1, 2, 3, 4, 7 के 500 परिवार के ठंड से बचा के लिए फाइबर सीरक वितरण कयल गेल। कतेको व्यक्ति के जान गुमावे के कारण से आवश्यकता में रहल विपन्न परिवार के सहयोग के लिए पहल केने आ दौतरी संस्था अपन आग्रह पर सहयोग केने भोर संस्था के अध्यक्ष पचुलाल माझी बतौलन। लहर से जे अभी के गरीब विपन्न दलित अपांग सब जे चार के कारण से कपकपा रहल छै थरथरा रहल छै उ आवे वाला जे और भी जार छै ओय में आइ के देल ई जे ब्लैंकेट छै फाइबर वाला ब्लैंकेट पक्के ओय सब के सहयोग करतै अपन सब के जीवन रक्षा करे में मदद करतै से हम सब विश्वास रखले छै। बहुत समुदाय सब ओय हिसाब से खुशी भी होल रहलै आशीर्वाद भी देले रहलै। सहायता के लेल चंदनगर गांवपालिका वार्ड 2 के कार्यालय प्रशंसा पत्र समेत प्रदान केने वार्ड अध्यक्ष रामनारायण महतो जानकारी देलन। जोखिम में रहल परिवार तथा वर्ग के मानवीय सहायता निरंतर प्रदान करबाक अपन जिम्मेवारी अनुरूप उक्त फाइबर सीरक सहयोग के पहल केने भोर के संस्थापक राजकुमार महतो जनौलन। प्रदेश एक के मुख्यमंत्री शेरधन राय रवि दिन विवाह बंधन में बंधला। काठमांडू के
एक पार्टी पैलेस में सीमित पार्टी के नेता तथा अपन रिश्तेदार बीच राय जांगमू शेरपा संग विवाह कलने 49 वर्षीय राय 23 वर्षीय मॉडल शेरपा संग जीवनसाथी चुनने ओ किछ समय से प्रेम संबंध में छला। विवाह में दुल्हा आ दुल्ही किराती समुदाय के मौलिक तथा पारंपरिक वेशभूषा में रहल छल। मुख्यमंत्री राय के पुरखौली घर भोजपुर रहल अछि त जांगमू के संखुआ सभा रहल अछि। ओ हाल काठमांडू में रही रहल अछि। विवाह में पर्यटन मंत्री भानुभक्त ढकाल नेकपा के सीमित नेता सब निकट मित्र तथा पारिवारिक सदस्य बीच विवाह संपन्न भेल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 270 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 269,450 पहुँचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 3,312 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 403 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 264,137 रहल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 7 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि कलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 2001 पहुँचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भरि 4,413 जना के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में एकोगो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में क्यों भी कोरोना संक्रमित नहीं भेटल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,175 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनसा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14, रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,876 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 144,689 के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 40 के नतीजा आब बाकी अछि। नवलपरासी नवलपुर के कावासोती में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 जना के जान गेल अछि। कावासोती नगरपालिका 8 स्थित भीतरी सड़क खंड में बीतल रात मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 जना के जान गेल अछि। जान गुमनिहार में कावासोती नगरपालिका 3 रनिहार 24 वर्षक हेमराज थापा आ कावासोती 8 रनिहार 26 वर्षक सुनील जायसवाल रहल। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप गिरी बतौलनि अछि, मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ साल के गाछ में ठकरेला से दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। मोरंग के लेटांग में जीप दुर्घटना भेला से 1 जना के जान गेल अछि। दुर्घटना में 16 जना घायल भेल अछि। कच्ची सड़क खंड में लेटांग से कुआपानी तरफ जा रहल को 1-3262 नंबर के जीप अनियंत्रित भ लेटांग 1 में दुर्घटना भेल, प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में मोरंग के लेटांग नगर पालिका 1 के 59 वर्षक नयन कुमार तामांग के जान गेल अछि। घायल सभक विराट नगर में उपचार भ रहल अछि। परसा से अपने साथी के 12 वर्षीय बेटी के बलात्कार प्रयास के ने 1 जना पकड़ायल अछि। शनि के भोरे बीरगंज महानगर पालिका 2 छपकैया से बालिका ऊपर जबरदस्ती करनी प्रयास के ने 36 वर्षक भारतीय नागरिक निहाल मिया के प्रहरी पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP मनोजीत कुंवर के अनुसार शुक्र के राति 10 बजे बालिका ऊपर बलात्कार के प्रयास भेल छल। मियाँ साथी के घर में पाहुन के रूप में आयल छल। रामेछाप के मंथली नगरपालिका वार्ड 10 के अध्यक्ष के प्रहरी पकड़लक अछि। महानगरीय प्रहरी वित्त ठेमी के टोली जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप संग समन्वय क वार्ड अध्यक्ष भरत बहादुर बोहरा के पकड़लक अछि। बोहरा विरुद्ध जबरदस्ती करनी मुद्दा दर्ता कराओल गेल। महानगरीय प्रहरी वित्त ठेमी के DSP ऋषि राम कड़ेल जानकारी देलनि। रामेछाप से पकड़ा हुनका भक्तपुर आनल गेल अछि। बोहरा संग पूर्व परिचित महिला 10 दिन पहिने ठेमी स्थित डेरा में अपना के बलात्कार केने आरोप में उजुरी देल गेल छल। रक्सी के झोंक में आबि कऽ बलात्कार केने पीड़िता के दावी अछि। अदालत से म्याद ल बोहरा ऊपर अनुसंधान कयल जात, DSP कड़ेल बतौलनि अछि। केंद्रीय तथ्यांक विभाग राष्ट्रीय जनगणना 2078 के करार में गणक तथा सुपर्यवेक्षक के पद में ऑनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान कयलक अछि। विभाग करीब 39,000 गणक आ 8,000 सुपरिवेक्षक करार में भरना लागल जानकारी करौलक अछि। करार के जनशक्ति अपूग भेला में स्थानीय सार्वजनिक विद्यालय के शिक्षक आ सरकारी कर्मचारी के प्रयोग क जनगणना कयल जात, विभाग बतौलक अछि। 2077 माघ 11 गते से 60 दिन भीतर में ऑनलाइन दरखास्त भर सकबाक तथा ऑनलाइन के पहुँच नहीं होबय वाला के लेल चैत 5 गते से चैत 11 गते धरि प्रदेश तथा जिला जनगणना कार्यक्रम में दरखास्त फार्म भरि बुझाबे के व्यवस्था कयल गेल। केंद्रीय तथ्यांक विभाग के महानिदेशक
नेविलाल श्रेष्ठ बतौलन व्यक्ति के जनगणना के अलावा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए पालल गेल पशु पक्षी के समेत जनगणना कैल जात ओ बतौलन असाठी को पहिलो पटक प्रयास गर्यौं जनगणना भनेको मान्छेको गणना मात्र होइन जनगणनाको फर्ममा मान्छेले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि पालेका पशु पक्षी चौपायाहरूको पनि सबै गणना गर्छौँ हामीले विगतको गणना पनि गरेका थियौँ त्यसबाट के आउँछ भन्दाखेरि लाइफ स्टकको कम्प्लिट सेन्सस नै हुने भयो गाई भैँसी राँगा भेडा बाख्रा कुखुरा हाँस होइन यी सबैको स्टक नै हुने भयो असाठीकोमा पनि हामीले गरेका थियौँ एक र त्यो सँगसँगै अरू एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि सोध्छौँ त्यो सोधेको कारण के हो भन्दाखेरि जनगणना सकेको लगतै छ महिनापछि हामीले राष्ट्रिय कृषि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ र कृषि गणनाको लागि पनि एउटा फ्रेम यसबाट तयार हुन्छ हिसाबमा हामीले के गर्छौँ भने जनगणना भन्दा पूर्व तयारीको काममा इन्युमरेसन एरिया म्यापिङ भनेर नक्सा बनाउँछौँ होइन जस्तै काठमाडौँको 11 नम्बर वडा यो पऱ्यो ठुलो वडा भयो वडालाई पनि विभिन्न टुक्रा टुक्रा गरिकन हामीले सेगमेन्ट बनाउँछौँ र ती सेगमेन्टमा चारै खेरको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा के वस्तुहरू छन् होइन त्यसलाई डिमार्केसन गर्छौँ गरिसकेपछि अनलाइन एभरेज एकजना गणकले 15 दिनमा 150 परिवारको गणना गर्ने गरिकन एभरेजमा है गरिकन चाहिँ त्यो इन्युमरेसन एरिया बनाएका हुन्छौँ र सोही इन्युमरेसन एरिया बाहिरको उहाँ काम गर्नु पाउनुहुन्न भित्रको कम्प्लिट काउन्ट गर्नु पऱ्यो र बाहिरको पनि भित्र आउनु भएन त्यस कारण कोही पनि छुट्टिनु भएन डोरिनु भएन भएन दरखास्त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट अन्तर्गतको सब डोमेन www.cenusuhrms.cbs.gov.np तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट www.cbs.gov.np में जाकर भरल जा सकैए राष्ट्रिय जनगणना 2078 नेपालके 12वां जनगणना अछि नेपालमे विक्रम सम्वत 1968 सालसँ जनगणना प्रारम्भ भेल अछि 12वां जनगणना 2078 जेठसँ असार धरि सञ्चालन हेबाक विभाग जनौलक अछि आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विश्वभरि पसरल कोरोना वायरसके कारण मृतकके संख्या 21,32,064 पहुँचल अछि संक्रमितके संख्या विश्वमे 9,94,07,854 पहुँचल अछि संक्रमितमे सँ 7,14,82,482 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि कोरोना वायरससँ सबसँ बेसी अमेरिकामे 4,27,635 गोटे ठीक भेल अछि जान गेल अछि ओतय 2,55,00,000 बेसी संक्रमित रहल अछि दोसर सबसे बेसी ब्राजीलमे 2,16,475 गोटेके जान गेल अछि तहिना भारतमे 1,53,376 गोटेके जान गेल अछि भारतमे 1,06,00,000 बेसी संक्रमित अछि मेक्सिकोमे 1,49,084 बेलायतमे 97,329 इटलीमे 85,162 गोटेके जान गेल अछि तहिना साउदीमे 6,352 यूएईमे 792 मलेशियामे 678 आ कतरमे 248 जान गेल अछि आब खेल समाचार लुम्बिनी प्रदेश संग बराबरी खेलने बागमती प्रदेश राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि मूल पानी क्रिकेट मैदान में रवि दिन लुम्बिनी प्रदेश संग बराबरी खेलने बागमती सेमीफाइनल में पहुंचल अछि बागमती से देल गेल 221 रन के लक्ष्य सहित जवाफी बैटिंग केने लुम्बिनी 48 ओवर में ऑल आउट होइत 220 रन में समेटला बाद खेल बराबरी में समाप्त भेल लुम्बिनी के लेल कप्तान कृष्ण कार्की आ प्रकाश केसी 41 रन बनौलनि तहिना सौरभ खनाल 34 देव खनाल 26 रन बनौलनि बागमती के विपिन आचार्य 4 तथा गौतम केसी 2 विकेट लेलनि एहिसँ पहिने टॉस जीत कऽ बैटिंग केने बागमती 50 ओवर में 9 विकेट गुमा 220 रन बनौने छल अपन समाचार एखन लैत वै पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन नमस्कार